आनंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो सर ने बात कही कि भाई सचिन पायलट वहां पे प्रभाव नहीं रखते हैं, तो अब इस सवाल को मैं आपसे आगे इसलिए बढ़ाऊंगा कि कल ही सचिन पायलट ने वायनाड में एक सभा करी है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब सचिन पायलट वायनाड में प्रभाव रखते हैं, सचिन पायलट जम्मू कश्मीर पे प्रभाव रखते हैं, सचिन पायलट उत्तराखंड में प्रभाव रखते हैं, सचिन पायलट नॉर्थ ईस्ट में प्रभाव रखते हैं, सचिन पायलट जालौर में प्रभाव नहीं रखते। ऐसा क्या अशोक गहलोत या कहें फिर वैभव गहलोत का मानना जो है वो सही है? नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नहीं। जी सर, जी सर। हाँ अम्बेश जी, एक छोटी सी लाइन से स्टार्ट मैं करना चाहूंगा कि अभी साथी गोयल साहब ने बताया कि अशोक गहलोत के जो नेता साथ में थे वो आ रहे हैं छोड़ छोड़ के बीजेपी में। तो आज की डेट में एक बहुत ही विचित्र बात हो रही है कि अगर आप अशोक गहलोत से अदावत रखें या उनकी बुराई करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी खुश होंगी, क्योंकि कांग्रेस का जो उभरता नेता है, जो अपने आप को राजस्थान का अब चीफ मिनिस्टर देख रहा है, वो अशोक गहलोत की बुराई से खुश होगा। तो आज की डेट में अशोक गहलोत की खिलाफत करने का अर्थ ये है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही उस व्यक्ति के साथ में। रही बात सचिन पायलट जी की, तो सचिन पायलट एक ऐसा व्यक्ति है, एकमात्र ऐसा वो है राजनेता जो खुद चाहते हैं कि मुझे जाति का नेता ना माना जाए, पर जबरदस्ती उन्हें जाति का नेता मनवाया जाता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हर जाति में अपनी पैठ रखते हैं, हर व्यक्ति जो उनके समर्थक हैं वो प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म से हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जो जाति है, इसीलिए मतलब आप देखिए वो कोशिश पूरी ये कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का उनके पास प्रभार है, साउथ में वायनाड में वो जा रहे हैं। वो इस तरह का व्यक्तित्व है, इस तरह का आकर्षक व्यक्तित्व है कि वो अपने साथ भीड़ को अट्रैक्ट करते हैं। अब वो वोट में कन्वर्ट होता है नहीं होता, अजमेर से वो खुद भी हार चुके हैं, वो एक दूसरी चीज है, पर एक भीड़ को अट्रैक्ट करने के लेकिन नहीं, लिए। आनंद सर, आनंद सर, मैं बीच में टोकूंगा कि वो ठीक है, 2014 में अगर वो हारे थे तो 2018 में उन्हीं के नेतृत्व में फिर वो अलवर और अजमेर की सीट वापस जीत भी ली थी। बिल्कुल और बिल्कुल, मैं वो वही बात कह अलग है कि आप उन जी 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 सर करें, बोले बोले जी अम्बेश जी, मैं वही कह रहा हूँ कि चुनाव के टाइम पे, प्रचार के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है भीड़ को मोबिलाइज करना, जनता को चुनावी जो रैलियां हैं वहां तक अट्रैक्ट करके लाना। तो ये सबसे बड़ा जो हथियार है, ये नरेंद्र मोदी जी के पास भी यही है कि उनके व्यक्तित्व के चक्कर में, उनके व्यक्तित्व से अट्रैक्ट होके भीड़ उनके प्रति अट्रैक्ट होती है। सेम केस अगर हम देखें तो सचिन पायलट जी के व्यक्तित्व से भी जनता अट्रैक्ट होती है, उनके साथ आने का प्रयास करती है और कुछ हद तक वो चीज वोटों में कन्वर्ट भी होती है। और अगर अशोक गहलोत जी और उनके सुपुत्र वैभव जी ये कहते हैं कि जालौर लोकसभा क्षेत्र में उनकी जाति के लोग कम हैं, इसलिए हम उनको ना नहीं यहाँ बुला रहे हैं, तो ये बहुत हास्यास्पद है और ये बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहा है कि जो उन दोनों के बीच की जो अदावत है वो अभी भी पूरी तरह से चल रही है, बिल्कुल कम नहीं हुई है। और इस चीज का जो खामियाजा है वो बिल्कुल जालौर लोकसभा सीट पे कांग्रेस और खास करके गहलोत परिवार जो है उसको भुगतने को मिलेगा।